गाइज वेलकम टू साइको अवेयरनेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मल्टीपल वैकेंसी आ गई। टोटल 25 से ऊपर पोजीशन है जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। और कुछ की जो डेट है फॉर्म की वो एक की है 30 जुलाई, और कुछ फॉर्म और भी है उसकी डेट है लास्ट मिड ऑफ अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी PDF है, इनकी बात कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मल्टीपल पोजिशन निकली हुई है आपकी, सभी कवर कर लेंगे। लास्ट तक वीडियो देख लेना। और सभी की जो पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली पोस्टिंग होनी है मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इसकी पोस्टिंग होगी। तो लास्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो बनाई थी उसमें डेट काफ़ी करीब थी तो काफ़ी बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो इस बार कर लेना क्योंकि मल्टीपल वैकेंसी है। तो बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो नोटिफिकेशन है वो एड स्टिल निकालता है, यही उसकी हायरिंग एजेंसी है। तो अभी हम बात करते हैं पहले PDF, फिर लास्ट तक देख लेना। अप्लाई करने की प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। प्रोजेक्ट क्या है आपका? समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एडसिल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। किस पोस्ट पर है? चीफ कंसल्टेंट की 2 पोजीशन है, सीनियर कंसल्टेंट की 4 पोस्ट है और कंसल्टेंट की 12 पोजीशन है, और सभी की सभी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रहेंगी, ठीक है। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की पहले वाले की। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। चलो चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो पहली जो पोस्ट रहेगी उसकी सैलरी 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच रहेगी, मैक्सिमम एज जाएगी 45। और यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, पहली NCF मल्टी लिंग्विज्म टेक्स्ट बुक 1 पोस्ट, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस एजुकेशन लिंग्विस्टिक स्टडी MBA विद 60% मार्क्स, और 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए पेडागोजी टीचिंग में, ठीक है। अगली पोस्ट है आपकी VSK, 1 पोस्ट है, मास्टर्स इन सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस वगैरह होना चाहिए आपको, 60% मार्क्स और 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको टीचिंग में टेक्नोलॉजी डेटा वगैरह में। अब चलते हैं अगली पोस्ट में। यहाँ पर 4 पोजीशन है, मैक्सिमम एज 40 ईयर रहेगी, सीनियर कंसल्टेंट 1 से 1.20 सैलरी रहेगी, ठीक है। तो एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग BTech इन MBA विद 60% मार्क्स और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सिविल वर्क में। उसके बाद है आपकी निपुण भारत मिशन, 1 पोस्ट है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी सोशोलॉजी MSW एजुकेशन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पोल साइंस हिंदी इनमें मास्टर्स करो विद 60% मार्क्स हो आपके पास, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग का या फिर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर, तो यू कैन अप्लाई। फिर है ICT की 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यू कैन अप्लाई, या फिर MTech कराओ या फिर BTech कराओ विद 60% मार्क्स और 5 साल एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए आपको, ठीक है, तभी आपको सैलरी मिलेगी 1,20,000। फिर चलते हैं आगे, ठीक है। फिर आपकी मॉनिटरिंग एवोल्यूशन की 1 पोस्ट है, मास्टर्स इन सोशल साइंस BTech MBA विद 60% मार्क्स और 5 साल का एक्सपीरियंस ही आपके पास NGO वगैरह में अपने काम करो मॉनिटरिंग वगैरह में, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फिर है आपकी 12 पोजीशन कंसल्टेंट की, एज रहेगी मैक्सिमम 35 ईयर, सैलरी 80,000 से 1 लाख रहेगी इसमें। तो एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर की 1 पोस्ट है, मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट, 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए आपको। फिर है आपकी न्यूमरेसी मिशन की पोस्ट, 1 पोस्ट है यहाँ पर, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस सोशोलॉजी सोशल वर्क साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स मांगे हैं इसमें एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको वही लिटरेसी न्यूमरेसी में। फिर आपकी VSK 1 पोस्ट, MTech वगैरह मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। फिर आपकी असेसमेंट की 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस साइकोमेट्रिक, 60% मार्क्स, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपकी डेटा स्ट्रेटेजी BSc मांगा है इसमें और विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इसमें भी। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन 1 पोस्ट है, मास्टर इन सोशल साइंस 3 साल का एक्सपीरियंस। मीडिया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर लीगल की 2 पोस्ट है, LLB कराओ विद 60% मार्क्स और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सिविल मैटर्स वगैरह में। जेंडर इक्विटी की 1 पोस्ट है, मास्टर इन सोशल साइंस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखो जहाँ भी मैं सोशल साइंस बोल रहा हूँ वहाँ पे MSc वगैरह भी एलिजिबल हो, ठीक है। फिर है वोकेशनल एजुकेशन, मास्टर सोशल साइंस MSc वगैरह MBA BTech, ठीक है, और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। फिर है कंसल्टेंट क्वालिटी 1 पोस्ट है, मास्टर इन सोशल साइंस MBA MSc वगैरह 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये हो गई कवर पहला नोटिफिकेशन। और यहाँ पे देखो ओनली इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई, ठीक है, और जो भी पोस्ट है कंसल्टेंट की फुल टाइम पोस्ट रहेंगी और ये न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी, सब सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर कोई TAD आपको मिलेगा नहीं इंटरव्यू के लिए, बता दूँ पहले आपका इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई, द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 जुलाई लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की। तो ये रही एप्लीकेशन की, ठीक है। यहाँ पर जाओगे आप तो यहाँ पर टू रीड कर लोगे, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पर अपने लॉगिन ID वगैरह क्रिएट कर लेना, ये देखो फॉर्म अभी डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, ठीक है। पहली हो गई कवर हमारी, अभी आ जाओ, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है और ये है आपकी PM उच्चतर शिक्षा अभियान, PM उषा,
डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट की 3 पोस्ट हैं, कंसल्टेंट की 5 पोस्ट हैं, आईटी मैनेजर की 1 पोस्ट है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव की 2 पोस्ट हैं। अभी इसको कवर कर लेते हैं, इसकी लास्ट डेट है 2 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर पाओगे इसके। चलो कवर करते हैं इसको। यहाँ देखो सीनियर कंसल्टेंट मैक्सिमम 40, 3 पोस्ट है यहाँ पर, मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन सोशल साइंस विद 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा कलेक्शन, रिसर्च, रिपोर्ट्स, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का, और 1,20,000 सैलरी। फिर है कंसल्टेंट की 5 पोस्ट है, मैक्सिमम एज 35, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस मैनेजमेंट, MBA एजुकेशन, MSc जो कर अप्लाई कर सकते हो, 30,000 एक्सपीरियंस चाहिए, प्लानिंग, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक में आपका होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, और 1,00,000 मैक्सिमम सैलरी। आईटी मैनेजर की पोस्ट 35 मैक्सिमम एज है, वही BE BTech विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, 80,000 से 1,00,000 सैलरी इसमें भी है। ऑफिस असिस्ट, ऑफिस एग्जीक्यूटिव 35 साल मैक्सिमम एज, 2 पोस्ट यहाँ पर है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस और 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको एजुकेशन के फील्ड में या फिर नेशनल स्कीम्स कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम में, हेल्थ में। 60,000 मैक्सिमम सैलरी इसमें है। अभी ये को नोटिफिकेशन में कवर कर लिया, इसकी भी पोस्टिंग अभी कहाँ होगी, फुल टाइम पोस्ट है, दिल्ली इसकी पोस्टिंग होगी। और इसमें कैसे अप्लाई करना है यहाँ देख लो, अप्लाई करने की प्रोसेस क्या देखो यहाँ पर, जो कॉल लेटर होंगे आपके वो बाई ईमेल आएगा आपका। अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा तो जॉब का जो एंगेजमेंट है वो स्टार्ट में 1 साल का रहेगा, फिर बढ़ते बढ़ते आपको 1 साल के बाद बढ़ते 6 साल 7 साल तक जा सकता है ये, ठीक है। 2 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म PDF में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करोगे अगर आप, देखो यहाँ पर, तो ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। ये हो गई दूसरी वैकेंसी हमने कवर कर ली। अभी चलते हैं तीसरी पोस्ट की तरफ। ये आ गया एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ स्वयं एंड स्वयं प्रभाव प्रोजेक्ट। इसकी पोस्टिंग नई दिल्ली होगी, स्टार्टिंग ड्यूरेशन 1 साल, मैक्सिमम बढ़ के 3 साल हो जाएगा, उसके बाद ही बढ़ता रहता है आपका। और पहली पोस्ट है कंसल्टेंट सिस्टम मैनेजर की, 1,20,000 सैलरी, MCA BTech विद 50% मार्क्स और 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। फिर है कंसल्टेंट सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, MCA BTech विद 50% मार्क्स और 10 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। फिर ये भी आपकी टेक्निकल पोस्ट है, 10 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ देखो कंसल्टेंट सीनियर वेब डिजाइनर, 65,000 सैलरी है, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स और 10 ईयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसमें चाहिए आपको, फोटोशॉप, जावास्क्रिप्ट, एडोबी, HTML सब आना चाहिए इसमें। फिर आपकी इंजीनियर की पोस्ट है, फिर मल्टीमीडिया की पोस्ट है आपकी, ठीक है। अभी यहाँ देखो कंसल्टेंट ग्राफिक आर्टिस्ट, 60,000 सैलरी है, 2 पोस्ट है, 12 पास विद ग्रेजुएशन या है वो आपके पास, और ग्रेजुएशन आपका फाइन आर्ट्स में, कॉमर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग में 50% मार्क्स और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग में। फिर उसके बाद फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट है, फिर ग्राफिक की पोस्ट है, फिर टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। तो सेम पोस्ट आ रही है बराबर, मैं आपको वो आप लोग PDF में पढ़ लेना, कोई अलग सी होगी बताऊंगा। अभी मैं यहाँ देखो जूनियर कंसल्टेंट 35,000 सैलरी, 1 पोस्ट है, मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, SC ST OBC 45% मार्क्स, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है IT के फील्ड में, प्रोजेक्ट्स वगैरह मैनेजमेंट आपने करा हो बेसिकली, बस हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं आगे और कौन कौन सी काम की पोस्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट में छोड़ देना, वो आप लोग पढ़ लेना। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 35,000 सैलरी है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स, बाकी SC ST OBC को 45% मार्क्स चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। प्रोजेक्ट संभालो आपने कोई तो आप अप्लाई कर सकते हो, बस हो गया इतना ही था इसमें। इसकी भी पोस्टिंग नई दिल्ली ही होगी आपकी, और इसको कैसे अप्लाई करना देख लेते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ देखो, द अथॉरिटीज रिजर्व द कैंसल, ठीक है। यहाँ पर आपको बनना है एप्लीकेशन फॉर्म। देखो भाई अभी वीडियो लास्ट समझ लेना, बताऊंगा और चीजें अभी। द कैंडिडेट शैल डाउनलोड स्कैन कॉपी, आपको PDF डाउनलोड करना है, उसको भरना है। उसको भरने के बाद अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की जेरोक्स निकालनी है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है और इस ईमेल आईडी पर 15 अगस्त शाम 5:30 बजे तक भेज देना है, ठीक है। और एप्लीकेशन जब भेजोगे तो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए भेजो लिख देना। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो, इसमें आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म करने पड़ेंगे। द पोस्टिंग रहेगी कहाँ, एडसेल में, दिल्ली NCR में पोस्टिंग रहेगी। और ये आपका रहा PDF, यहाँ लगा हुआ है अटैच्ड में। तो आप देखो मैंने आपको कितनी पोस्ट बताई, ये रहा आपका पहली पोस्ट, ठीक है। इसको हम बैक कर लेते हैं एक बार, रुको देखो यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर करोगे आप किस में, क्लिक थ्रू रजिस्ट्रेशन, ये आप क्लिक करोगे ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो पहला है समग्र शिक्षा अभियान, इसकी 30 जुलाई लास्ट डेट है, जिसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, यहाँ पर दे रखा है रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। पहली ये हो गई। दूसरा है आपका कौन सा, दूसरा है आपका सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। नहीं कौन सा दूसरा, कौन सा देखिए, दूसरा है आपका समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट है, ठीक है, TSD, इसकी लास्ट डेट 30 जुलाई बताया अभी मैंने आपको वही। फिर है आपका कौन सा, फिर है आपका प्रोग्राम उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके PDF में ही आपको लिंक दिया हुआ ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो यहाँ पर आप PDF में लिंक क्लिक करोगे आपका फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ से आप गूगल फॉर्म भर सकते हो।
उसके बाद हमने बात करी एक और प्रोजेक्ट की जो था कौन सा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट। इसको फॉर्म भरना है तो उसका आपका फॉर्म में आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसका प्रिंट करके एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, ठीक है, फोटो लगाओगे, फोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्ट करोगे और इस ईमेल आईडी पर 15 अगस्त तक भेज दोगे। इसकी डेट 15 अगस्त है और उच्चतर शिक्षा अभियान वाले की डेट, इसकी डेट है उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी डेट है आपकी 2 अगस्त, और TSG की जो डेट है आपकी, इसकी डेट है 30 जुलाई। तो सभी मैंने आपको बता दिया है, तो अभी अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत होगी तो दोबारा से वीडियो एक बार आराम से पॉज करके आराम से रुक रुक के देख लेना, सभी में आराम से अप्लाई कर सकते हो। इन सभी के लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ देख लेना। बाकी ये जो PDF मैंने अभी कवर करें, इस PDF को डिटेल PDF में आपको अपने LinkedIn में भी डाल दूंगा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, LinkedIn में आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। बाकी कोई क्वेरी कमेंट में पूछ लेना, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, बाकी चैनल को शेयर करो। जल्द मिलते हैं हम लोग एक और अच्छी अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।